नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। राजद में जारी सियासी घमासान अब किसी से छुपी नहीं है। इस घमासान की शुरुआत भले ही पार्टी के कार्यक्रमों में एक दूसरे के ऊपर बयान देकर शुरू हुई हो, लेकिन अब यह मीडिया के माध्यम से आम लोगों के बीच में आ गई है। अब यह विवाद राजद के लिए और लालू परिवार के लिए एक नासूर बनता जा रहा है। खैर, इन सब चीजों के बीच में एक बात ये कही जा रही है कि जगदा बाबू और तेज प्रताप के बीच हुए बयानबाजी और नाराजगी को अब सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही दूर कर सकते हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर चल रही खींचतान और जगदानंद सिंह की शिकायतों को लेकर तेज प्रताप यादव रक्षाबंधन के दिन पहुंच गए अपने पिता, जिन्हें वो अपना भगवान भी कहते हैं, राजद सुप्रीमो लालू यादव के पास दिल्ली जाने के क्रम में वो लखनऊ भी गए, जहां उनकी बहन राजलक्ष्मी से उन्होंने राखी बंधवाई। उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा। जब यह काफिला आगरा पहुंचा तो वहां पर राजद के कार्यकर्ता तेज प्रताप के चाहने वालों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद अब तेज प्रताप पहुंच गए हैं राजधानी दिल्ली में, जहां वो अपने माता पिता के साथ ही अपनी बड़ी बहन मीसा भारती से मिले। सबसे पहले जो तस्वीरें सामने आई उसमें मीसा भारती ने अपने भाई तेज प्रताप यादव को राखी बांधते हुए देखी गई। आपको बता दें कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो उसमें तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री थे और उसमें कहा जाता है कि मीसा भारती का बहुत बड़ा योगदान था। खैर, इस मुद्दे पर हम फिर कभी और बात करेंगे, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इस दिन खबर ये चली कि आज तेज प्रताप यादव और लालू यादव के बीच में सुलह हो सकता है, लेकिन सुलह को लेकर कोई बड़ी खबर मीडिया में सामने नहीं आई। इसी दिन यानी कि रक्षाबंधन के दिन ही तेजस्वी यादव भी अपनी बहन मीसा भारती से राखी बंधवाने पहुंचे थे, लेकिन तेज प्रताप के आने से पहले ही वो घर से निकल गए। रक्षाबंधन के बाद तेज प्रताप की तस्वीर सामने आई, वो भी दिल्ली के बसंत कुंज इलाके से, जहां वो अपने दोस्तों के साथ किसी मॉल में बैठे हैं और नाश्ता कर रहे हैं। इसके बाद वो मीडिया में ट्रोल होने लगे, जिसमें ये कहा जाने लगा कि क्या राजद में सब कुछ ठीक हो गया है, तेज प्रताप अपने दोस्तों के साथ मस्त है। इस तस्वीर को लेकर अभी बवाल खत्म हुआ नहीं था कि एक दूसरी तस्वीर सोशल मीडिया में सामने आई है, जिसमें तेज प्रताप यादव वृंदावन में पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। यह कोई पहली बार या फिर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी, वो हमेशा मथुरा और वृंदावन जाते रहे हैं। ऐसे में सेकंड लालू तेज प्रताप पेज पर लिखा गया कि श्री तेज प्रताप यादव अपने गुरु जी श्री वल्लभाचार्य जी से उनके आवास श्री धाम वृंदावन में आशीर्वाद लेते हुए। इस तस्वीर के बाद भी मीडिया में खूब खबरें बनी कि तेज प्रताप राजद में जारी घमासान के बीच में वृंदावन पहुंच गए हैं। इन सब के बीच में तेज प्रताप यादव की एक दूसरी तस्वीर सामने आई, जिसमें वो एक बार फिर से दिल्ली में अपने एक दोस्त के यहाँ रात्रि भोजन पर पहुंचे हैं। दिल्ली स्थित उनके दोस्त का नाम है चैतन्य पालित। सेकंड लालू तेज प्रताप यादव पेज से शेयर की गई तस्वीर में यह साफ दिख रहा है कि तेज प्रताप यादव किसी घर के अंदर बैठकर भोजन कर रहे हैं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ मस्ती के मूड में हैं। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि क्या राजद में जारी सियासी घमासान कम हो गई है। इधर जगदानंद सिंह भी अब राजद कार्यालय पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि छात्र राजद में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के हस्तक्षेप के बाद से दोनों के बीच में रार बढ़ गई थी। उसके बाद तेजस्वी भी अपने बड़े भाई से नाराज दिख रहे थे। यह पहली बार था जब तेजस्वी मीडिया के सामने तेज प्रताप को नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे थे। खैर, अब तेज प्रताप के द्वारा सोशल मीडिया पर डाली जा रही तस्वीरों से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद राजद में अब सब कुछ ठीक हो गया है। राजद में जारी घमासान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।